उधर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी को न्योता नहीं दिया। इससे पहले केसीआर ने 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में होने वाली रैली में कांग्रेस के किसी नेता को नहीं बुलाया था। यानी कांग्रेस और केसीआर दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली, जिससे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एकजुट होने वाला प्लान फ्लॉप होता दिखा, क्योंकि तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस की नहीं बनी और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में केसीआर को न्योता नहीं मिला। तो राज्य इकाई का इनपुट लेने के पश्चात जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय आपके सामने। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में 23 पार्टियों को न्योता दिया, जिनमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और टीएमसी शामिल है। विपक्षी पार्टियों में उठापटक के बीच कांग्रेस ने संकेत दिया कि वो अपनी विचारधारा से मेल खाने वालों को साथ लेकर चलना चाहती है, जो आना चाहे वो आए। लेकिन केसीआर की चौथा मोर्चा बनाने की योजना कांग्रेस की कोशिश पर पानी फेर सकती है, जिससे विपक्ष का फायदा होना हो बीजेपी की चांदी हो जाएगी, क्योंकि 2024 में उससे लड़ने के लिए बिखरा हुआ विपक्ष मैदान में उतरेगा। इस बीच यूक्रेन की जंग में नए कमांडर को उतारने के बाद रूस ने काला सागर में घेरेबंदी तेज कर दी। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने अपनी नौसेना के एक अड्डे से एक बड़ा जंगी जहाज और 3 पनडुब्बियां काला सागर में भेज दी, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि रूस काला सागर से लगे यूक्रेन के शहरों पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने अपनी नौसेना के नवरोसिस्क बेस से अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मर्गनोव काला सागर में भेज दिया। कहा जाता है कि रूस के इस युद्धपोत में इतने खतरनाक हथियार मौजूद हैं जो दुश्मनों को अपने घुटनों पर ला दे। इसके साथ ही इस जंगी जहाज पर कई घातक लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया गया है और रूस का ये जंगी जहाज क्राइमिया की तरफ से होते हुए काला सागर में पहुंचा है, जहां से यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने के लिए तैनात कर दिया गया। और फिर सिर्फ रूस का ये खतरनाक युद्धपोत ही नहीं, बल्कि 3 पनडुब्बियां भी ब्लैक सी में दाखिल हो चुकी है। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस घातक पनडुब्बियां हैं, जिन्हें यूक्रेन के सीने पर लाकर बिठा दिया गया, जिसके बाद यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व के शहरों पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस ने अपने नवरोसिस्क बेस में मौजूद 4 पनडुब्बियों में 3 को एक साथ कहीं जंग में भेजा हो। यानी रूस अगर इस बार काला सागर से यूक्रेन पर हमला बोलेगा तो फिर वो आर पार की लड़ाई होगी। कहा जा रहा है कि रूस की इन पनडुब्बियों पर वही कैलिब्र मिसाइलें तैनात हैं जिन्होंने यूक्रेन को पहले भी अच्छी खासी चोट पहुंचाई थी। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में जंग की कमान संभाल रहे कमांडर सर्गेई सुर्विकिन को हटाकर वैलेरी गेरासिमोव को नया कमांडर बना दिया, जिसके बाद यूक्रेन पर भीषण हमला तय माना जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा दी। इस क्रूज में 31 यात्री सवार हुए जो भारत की संस्कृति की झलक देखेंगे और 51 दिन में भारत की 50 जगहों की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी से शुरू हो गई। पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। गंगा विलास क्रूज में किसी 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं और इसे गंगा बेल्ट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।